है एवरी वन आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार मजे में होंगे स्वस्थ होंगे रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार मेरे लिए एंड ऑल द थिंग्स जितने भी है ये बस आफी का एफर्ट्स है जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो जितना आप लोग को अच्छा लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ ठीक है देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन इन पास्ट हमने काफ़ी सारे प्ले कवर किया जो टॉप के रैंक अगर प्ले की बात करूँ तो हैसिंग ग्राफ ट्री हीप लिंक लिस्ट जो कि ट्रेंडिंग पे चल रहा है ठीक है तो लॉट्स ऑफ लिस्ट मैंने दिए कम्युनिटी को यार और मुझे रिवर्ट बैक में काफ़ी सारा प्यार मिला आप लोगों से इट मीनस कि भैया आप काफ़ी अच्छे हो भैया बहुत अच्छे, आप अच्छे आप हो भैया भगवान हो ऑल द थिंग्स ठीक है लिंक इ जैसे ही तीसरा सब्सक्राइबर क्रॉस किए मुझे काफ़ी सारे ई भी आने लगे तो आई एम क्लैड कि कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है मेरी लोग पसंद करते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ लोग समझते हैं इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस मिलता है तब मिलता है जब मैं देखता हूँ कि पढ़ने के बाद जब लोग कमेंट्स करते हैं ठीक है कि भैया ये समझ में आए भैया ये और अच्छा था भैया इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था भैया इसको ऐसे कर सकते हैं लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मुझे पर्सनली फील होता है कि, yes, कि वाकई में काफी एक्टिव और काफी अच्छे से पढ़ रही है ठीक है उससे ज़्यादा मुझे एक अच्छा लगता है जब मैं अपनी प्ले को रैंक होते हुए देखता हूँ कि यार जब भी आप सर्च करो तो मेरी प्ले आपको ऊपर रैंकिंग नहीं दिखेगी जस्ट बिकॉज कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं पढ़ाता हूँ बिकॉज जो बेसिक से एडवांस तक का सफर होता है मेरे किसी भी प्ले में वो जो लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जान रहे हैं ठीक है लॉट्स ऑफ पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ बट दो पॉइंट मेनली जो मुझे रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं यार अब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस दो पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रख लो ठीक है पहला पॉइंट कि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अप्लाई करना चाहिए इसका क्या मतलब है कि भैया मुझे पता है कि ओपनिंग है ठीक है मुझे पता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ या मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मेरी एलिजिबिलिटी इस वाले पोजीशन के लिए है भी कि नहीं मेरा एक सिंपल सा कहना है यार अप्लाई कर देने में क्या जाता है ये बताओ अगर आप अप्लाई कर दोगे आपको पता है कि आपका नहीं होना है ठीक है मुझे पता है कि आपका नहीं होना है हो सकता है आपके रेज्यूमे को भी पता हो कि आपका नहीं होना बट कंपनी जब तक रेज्यूमे नहीं पढ़ेगी उनको नहीं पता आपका रेज्यूमे कंपनी में जाने से बेनिफिट क्या होता है कि आपका रेज्यूम्य उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है इन फ्यूचर वो रेज्यूम्य कभी ना कभी पिक होगा ही होगा अगर आपको ज़रूरत होगा उस टाइम पर हाँ बोलना नहीं होगा तो ना बोलना लेकिन इस डालेबा में कभी मत फंसो कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या रेज्यूम भेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भेज दिया करो उनको उनको लेना या नहीं लेना वो उनके ऊपर हमारा काम है अप्लाई करना ठीक है बहुत बार हमें पता होता है कि कन्फ्यूज़ रहता है या पता होता है कि लगता है कि यार नहीं होना है और किसी तो अप्लाई कर ही दो मतलब कन्फ्यूज़न मत रखो रदर देन कि जो ऑप्शन आता है छोड़ दे क्या नहीं छोड़ो मत अप्लाई कर दिया करो दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूँगा बहुत लोगों का मेरे पास क्वेरीज आ रहा है कि भैया मैं दूसरे ब्रांच से ठीक है मुझे एस डी बनना है मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल चाहिए इसके लिए मैं कैसे करूँ देखो सच बता रहा हूँ दोस्त मैंने काफ़ी सारे प्ले लिस्ट बनाया है यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पर डी एस एक ऐसा टॉपिक है ऐसा चीज़ है जो आपको कवर करना ही पड़ेगा अगर आप एस डी पोजिशन के लिए कहीं पर भी अप्लाई करोगे वो पहला ही स्टेप आपसे डेटा स्ट्रक्चर के सवाल पूछे जाएंगे अगर आप वहाँ बाहर हो जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहा तो कोशिश करो मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे डी एस ए में फाड़ प्रैक्टिस करो मैं ये कह रहा कि डी एक बेसिक लेवल का तो कर ही लो ठीक है अब वो अगर आपको करना है तो मैं सच बता रहा हूँ मेरी जो प्ले है वो बेसिक से एडवांस तक है जब लगे कि डाटा टफ़ हो रहा है वहाँ पर छोड़ दो लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने इस वे में प्ले उठाया इस वे में सारे प्ले बनाया कि आपको टफ़नेस लगेगा ही नहीं अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो मैं सच बता रहा हूँ यार कम्युनिटी को जो मैंने दिया है राइट नाउ एंड जो लोग मुझे फीडबैक मिलता है आई लाइक मैंने इतना दिया भी नहीं था इतना मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है इधर लॉर्ड्स ऑफ लव्स जो मुझे लिंक इन पे यूट्यूब कमेंट्स पे मतलब मैं बता रहा हूँ मैं कितने सारे कमेंट्स सा तो रिप्लाई मेरा पेंडिंग रह चुका है इतने सारे कमेंट्स आते रहते हैं मुझे डे बाई डे बट मैं यही कहूँगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं यार कंसिस्टेंट रहो ज़्यादा डरो मत कि नहीं होगा ऑल दो तीस सब्सक्राइबर अभी तक हुए अभी जर्नी पचास हज़ार की आएगी फिर एक लाख की आएगी अपन लंबा चलेंगे साथ में आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लॉट्स ऑफ कंटेंट अभी एट टू कम है बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी यार प्लीज़ चैनल में जुड़े रहो मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में से मुझे पता चला है कि टोटल सिक्सटी लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बट वो देख रहे हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं यार कि उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी बट मैं ऐसा जो बता रहा हूँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है स्पेशली वो सिक्सटी लोग प्लीज़ कर लो बिकॉज देखो आपके सपोर्ट करने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं सच बता रहा हूँ मेरा अके, मेरा ग्रो करना मेरे अकेले का ग्रो करना नहीं है यार आप भी ग्रो कर रहे हो साथ में ठीक है लेकिन प्लीज़ अगर आपके और शेयर कर देने से या आपकी सपोर्ट कर देने से अगर मेरा और अच्छा होता है तो डेफिनेटली यू शुड डू यार आपको कोई भी क्वेरीज होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो लिंग में पूछा करो थोड़ा होप रख थोड़ा पेशेंस रखा करो कि भैया रिप्लाई करेगा मैं करता हूँ यार मैं डेफिनेटली मैं सडेडे संडे निकाल के बैठ कर रिप्लाई करता हूँ इंस्टा पर रिप्लाई नहीं हो पाता उसका रीज़न अलग ही है मैं रील्स देखने बैठ जाता हूँ ठीक है तो ज़्यादातर अगर ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा इमरजेंसी तो लिंकिन में मैसेज कर ही दिया करो लिंगडिन में जनर, जनरली मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने का ठीक है एंड थैंक्स अलॉट यार आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी लंबा रहा मैं जब कॉलेज में था तब से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी एंड अभी तक तीस हज़ार सब्सक्राइबर आ चुके हैं आई एम ग्लैड मैं काफ़ी खुश हूँ लोग मुझे कहते हैं यार एक लाख तो हुए नहीं अभी तक हो जाएंगे तीस हज़ार हुए एक लाख भी हो जाएंगे अगर वो सिक्सटी सिक्स परसेंट लोग सपोर्ट कर देते हैं तो थैंक्स अलॉट दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय